बताते राधे, हमारे पापा ना हमेशा कहा करते थे कि ये है हमारी जादू की छड़ी, जिससे हम अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं और तो और आसमान भी छू सकते हैं। पर सच बताऊं तो बचपन से लेकर आज तक ना इस छड़ी से सिर्फ एक ही बात मांगी कि हम अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर लें, जिससे ना इस लायक बन जाए कि राधिका इलाज करवा सके। और आज गए थे हम उस सपने को पूरा करने, हमें 12वीं की परीक्षा का ना एडमिट कार्ड भी मिल गया, बस लगा उसे पकड़कर एक और छलांग मारनी है और बस आसमान छू लेंगे। लेकिन हम उड़ने वाले थे कि हमारी चाची ने हमें उतनी जोर से जमीन पर वापस पटक दी। हमारा एडमिट कार्ड उसे भी जला दी। सच्ची ऐसा लग रहा है उन्होंने एडमिट कार्ड नहीं, उन्होंने हमारे सपने अरे उनको को जला दी। गलती ना हमारी ही है, हमने कैसे सोच लिया कि हम सपने देख सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। पता है मसीह की बात क्या है, हमारी दादी हमेशा कहती है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, और शायद वो सौभाग्य ना सिर्फ दूसरों के लिए अरे खुद के लिए नहीं है। आप देखिए हमारे हाथों में कि किस्मत की लकीरों में कम से कम ऐसी 2 लकीरें तो होती ना जिसमें हमारी खुशियां होती, पर नहीं है। दादी कहती है कि कोई सपनों का राजकुमार है जो हमें खुशियां देगा, हमारे सपने पूरा करेगा। सच्ची में अब ऐसा लगता है कि वो सपनों का जो राजकुमार है ना, वो भी शायद सपनों में ही होता होगा।